ये तो क्या ढेरगा बालाजी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से मतलब जयपुर जंक्शन से रोजाना 2:05 पे दुरंतो एक्सप्रेस चलती है। दुरंतो एक्सप्रेस मतलब इतनी स्पीड से ट्रेन जाती है कि देखकर चकित हो जाएंगे आप। अभी थोड़ी देर में आएगी, अभी 2:45 हो चुके हैं, 10 मिनट बाद में। वीडियो में बने रहना। इससे ट्रेन की स्पीड इतनी है कि जयपुर से सीकर का टाइम माना जाता है 3 घंटा, और ये 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट में क्लियर कर देती है। तो ये सोचने वाली बात है, जब ट्रेन आंखों के आगे से गुजरती है तो दिमाग ख़राब हो जाता है। दुरंतो एक्सप्रेस की पहली बात, आपको टिकट नहीं मिलती। रिजर्वेशन का ये सारा खेल इसका, ये बॉम्ब हिसार इधर निकलती है, पर उसकी गति इतनी ज़्यादा है, बॉम्बे भी जाती है शायद, इतनी गति ज़्यादा है। और इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है कि बॉम्बे से बॉम्बे जाते जाते 4 स्टेशन के अंदर अंदर ही ये पार कर जाती है बॉम्बे को। मैं खुद चकित हो गया जब इसकी लिस्ट स्टॉप देखे, 4-5 स्टेशन में तो ये बॉम्बे पहुंच जाती है, कोई भी ट्रेन नहीं पहुंच सकती। ये बॉम्बे मेरे हिसाब से 10 घंटे 12 घंटे में टेक देती है, जहाँ मैं दूसरा दिन तीसरा दिन शाम को, शाम हो जाती है ट्रेनों को। अभी आएगी 10 मिनट बाद ट्रेन, वीडियो में बने रहना। ट्रेन इतनी तेज़ गति से गुजरेगी दिमाग ख़राब हो जाएगा। स्पीड को यार थोड़ा सा कम कर रखा है, अभी इसी से स्पीड बढ़ा ही नहीं है। जैसे ही ये थोड़ा सा और पास जाएगा, हालांकि ये सीकर जाने में 1.5 घंटा लेती है, झुन्नू जाने में केवल 2.5 घंटा। 2.5 घंटे में तो कोई बस कोई भी गाड़ी नहीं पहुंच सकती 2.5 घंटे में झुन्नू से, या जयपुर से झुंझुनू। तो ये इसकी खासियत है, बाकी यहाँ से स्पीड बढ़ा ही नहीं, क्योंकि जनता आती जाती रहती है इस स्टेशन के पुलिया के नीचे से, इसलिए अभी स्पीड ही आगे बढ़ा देगा। बाकी जो ये टाइम बता रहे हैं ना इसका, कि